राज्य अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए विश्व भर में जाना जाता है। यहाँ प्राकृतिक संपदाओं से भरपूर कई ऐसे स्थान मिलते हैं जो हर साल दुनिया भर से लाखों पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आइए आपको कुछ ऐसी बेहतरीन जगहों पर ले चलते हैं जो बिहार में इको सर्किट के प्रमुख केंद्र माने जाते हैं। बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, जो स्थित है पश्चिमी चंपारण जिले में। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जंगलों में जंगली स्तनधारी बाघ, भालू, तेंदुआ, जंगली कुत्ता, बाइसन, जंगली सुअर आदि पाए जाते हैं। यहाँ पर इन जीवों के लिए प्राकृतिक रूप से बेहद अनुकूल वातावरण उपलब्ध है। यह भ्रमण के लिए एक बेहतरीन स्थान है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में सैलानियों द्वारा वन्य जीवन का खूब लुत्फ उठाया जाता है। बिहार के सबसे खास पर्यटक शहरों में से एक है राजगीर, जहां वेणु वन पार्क नाम का एक शानदार अभयारण्य है। यह स्थान शांति एवं ध्यान के लिए उत्तम माना जाता है। भगवान बुद्ध के लिए सम्राट बिंबिसार ने यहां एक खूबसूरत मठ बनवाया था। वेणु वन पार्क विहार करने के लिए एक उत्तम स्थान है। बिहार के राजगीर में एक बेहद ही स्वच्छ और असीम खूबसूरती से भरपूर झील है घोड़ा कटोरा। यह झील चारों तरफ से ऊंचे पर्वतों से घिरा हुआ बेमिसाल प्राकृतिक सुंदरता प्रदर्शित करता है। इसकी वादी में प्रदूषण मुक्त ई रिक्शा की सवारी करते हुए घोड़ा कटोरा तक जाने का सफर बड़ा ही रोमांचक लगता है। देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी पर्यटक यहाँ आकर इस स्थान पर भरपूर आनंद लेते हैं। बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य, जहां दुर्लभ गंगा डॉल्फिन की प्रजाति को संरक्षण में रखा गया है। पर्यटकों के लिए गंगा डॉल्फिन एक खास आकर्षण का केंद्र है। बिहार के कैमूर जिले में करकटगढ़ जलप्रपात एक अद्भुत एवं मनोरम झरना है। इसे इको टूरिज्म के प्रमुख स्थल के रूप में विकसित किया गया है। यहाँ पर पर्यटकीय सुविधाओं के साथ ही मनमोहक प्राकृतिक छटा का आनंद लेने के लिए दूर दूर से सैलानी आते हैं। बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है भीम बांध अभयारण्य, जो अपनी जैव विविधताओं के लिए बेहद प्रसिद्ध है। भीम बांध अभयारण्य दुर्लभ वनस्पति एवं जानवरों के लिए जाना जाता है। प्रकृति की अद्भुत सुंदरता से रूबरू होने के लिए भीम बांध अभयारण्य में लाखों लोग आते हैं।